अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए चीज़ी ड्रमस्टिक्स। तो झटपट शुरू कर लेते हैं। यहां 1 टीस्पून मैंने ऑयल लिया है, इसमें डाल देते हैं चिकन। चिकन को हमने फ्राई करना है इसका कलर चेंज होने तक। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूं लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक। आप चिकन को बहुत छोटा छोटा करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे बाद में छोटा छोटा करूंगी। अभी इसे अच्छे से पका लेते हैं। और इसमें डाल रहे हैं 1/2 कप पानी, और इसमें डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून वाइट सिरका। अब इसे पानी और सिरके में अच्छे से पका लेते हैं ताकि चिकन हमारा अच्छे से अंदर तक गल जाए। तो इसे कवर कर देते हैं, बारबेक्यू सॉस डाल देते हैं 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टेबलस्पून। चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, ठीक है, बहुत आराम से टूट रहा है। मैं चिकन को इसके अंदर ही तोड़ लेती हूँ। तो सारे चिकन को हमने ऐसे बहुत छोटा छोटा कर लिया है और सारा सॉस इसमें मिक्स हो गया है। बस फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा ठंडा। यहाँ बॉयल आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और इसमें डाल देते हैं ये चिकन। 4 से 5 आलू थे जिसे बॉईल करके मैंने मैश कर लिया, इसमें ये चिकन ऐड कर दिया है। और इसमें डाल देते हैं 1/2 कप चीज़, और चीज़ के साथ इस पे डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, काली मिर्च जी। तो इन सबको कर लेते हैं मिक्स अच्छे से। तो इन सबको मिक्स कर लिया है। यहाँ मैंने आइसक्रीम स्टिक ले ली है और इसका एक देखिए ऐसे साइज आप पर है। आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए तो ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं, छोटा बच्चों के लिए चाहिए तो छोटा बना सकते हैं ऐसे। और कवर कर देंगे इस पर अच्छे से ऐसे। तो सब ऐसे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ सब ऐसे तैयार कर लिए हैं मैंने। यहाँ हमने क्रम्स ले लिए हैं, ये मेरे घर के बने हुए हैं। एक अंडा हमने फेंट लिया है। यहाँ पर ले लिया है मैदा, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सूख मिर्च हम मैदे में ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च ये ऐड कर देंगे। इन सबको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। हमें एक एक ड्रम स्टिक को लेना है, अच्छे से मैदे में कोट करना है ऐसे। फिर इसे अंडे में डिप करेंगे चारों साइड से ऐसे, फिर क्रम्स में। सब ऐसे रेडी करेंगे, फिर अंडे में और फिर क्रम्स में। ये देखें, तो ऐसे हमने सबको रेडी कर लिया। अब करना क्या है, यहाँ एक बैग ले लिया है मैंने लॉक वाला, इसमें एक पेपर लगा दिया है ताकि हमारे ड्रम स्टिक इसमें चिपके नहीं। तो हम सब ड्रम स्टिक को 1 by 1 इसमें सेट कर देंगे। इसमें रख दिया है, इसे ऐसे लॉक करेंगे यहाँ से बिल्कुल एंड से। मैंने थोड़ा सा ओपन रखा है ताकि ये स्ट्रॉ अंदर जा सके, और इस स्ट्रॉ के ज़रिए हम इसकी सारी हवा निकाल देंगे। तो ऐसे इसकी सारी हवा निकाल दी है। अब ये बिल्कुल रेडी हैं, इन्हें हम डीप फ्रीज़र में रख देते हैं। जब चाहें निकालें और डीप फ्राई कीजिए, और बस ड्रम स्टिक बिल्कुल रेडी। इस तरह से हमें रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का टाइम मिल जाता है अगर ये काम हम पहले से करके रख लेते हैं।